हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पांडा। दोस्तों, जब भी कोई एस्पिरेंट अगर कोई एग्जाम देकर आता है तो बहुत क्यूरियस होता है कि रिजल्ट जल्दी से अनाउंस हो जाए। एसबीआई क्लेरिकल मेंस का एग्जाम हुआ है, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है और एस्पिरेंट वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। अब देखो गाइस, क्या आइडिया है, मैं आपको थोड़ा सा अगर पुराना स्टेट आप देखोगे तो वो मैं आपको बता सकता हूं। अगर पिछले हम कई सालों की बात करें तो लगभग अमूमन 48 से 50 दिनों के अंदर में आपका मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो लगभग मुझे लग रहा है कि 49 दिन हो चुके हैं पहले जो आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और एनी डे कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेस पीरियड वाला टाइम चल रहा है और जो समय सीमा है वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ बॉर्डर चल रही है। और मुझे लग रहा है किसी भी दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। गाइस, क्या हुआ था कि 2020 में थोड़ा सा डिले जरूर हुआ था, लगभग 55 दिनों के बाद में रिजल्ट अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो 48, 50 दिन, 52 दिन इसके आसपास में रिजल्ट हमने पिछले सालों के देखे हुए हैं। मेंस खत्म होने के बाद में आ जाते थे, इस बार भी आ जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार करो, मुझे लग रहा है कि होली के बाद लगभग 10 मार्च या 12 मार्च तक आपका रिजल्ट आपको देखने को एनी हाउ मिल जाएगा। ठीक है, होली सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, बाकी और भी एग्जाम्स हैं, इसकी अच्छी प्रिपरेशन करो। देखो रिजल्ट डिले, आप ये मत सोचना रिजल्ट डिले हो चुका है, रिजल्ट डिले नहीं हुआ है। जो भी टाइम लग रहा है, 1-2 दिनों का ही टाइम है। रिजल्ट कोई बोलेगा रिजल्ट पोस्टपोन हो गया, अगर 2021 में 48 दिनों में रिजल्ट आ गया तो इस बार अगर 49 दिन 50 दिन बीत चुके हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आएगा, प्रिपरेशन चल रही होगी और एनी टेक अभी भी एसबीआई की डाउन वेबसाइट देखने को आपको मिलेगी और यही पता चलेगा कि पीडीएफ के साथ में किन किन लोगों का आगे फर्दर सिलेक्शन हुआ है। तो एज सून एज पॉसिबल अगर अपडेट आएगा मैं आपको चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टिल देन आपकी अपने क्या एजम्पशंस हैं। वैसे भी मुझे किसी ने भेजा था कि सर 2018 में 47 दिनों में आ गया था, 2019 में 40 दिनों में रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था मेंस कंडक्ट होने के बाद में, और 2020 में 55 दिन लगाए गए थे और 2021 में 47 दिन थे और 2022 में लगभग 49 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमें रिजल्ट नहीं आया हुआ है। टू बी कंटिन्यू, ये अभी चल रहा है और कितना लंबा चलने वाला है तो आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता खींचेगा मैक्सिमम और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। टिल देन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो, और कमेंट जरूर करना अपना कि कैसा आपका रहा था सब कुछ और आगे भी और कौन कौन से एग्जाम्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बैंकिंग से जुड़े अपडेट्स और एग्जामिनेशंस के रिव्यू आपको सब कुछ एक प्लेस पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस।